डायरेक्टर ओम राउत की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष ट्रेलर ने दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है और तभी से वो इस फिल्म को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार में हैं। फिलहाल ये फिल्म अपने बिजनेस को लेकर चर्चा में है क्योंकि इसने रिलीज से पहले ही बम्पर कमाई कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म की प्री बुकिंग तो अभी शुरू ही नहीं, तो फिर कैसे? चलिए हम आपको इस बारे में भी जानकारी देते हैं। दोस्तों, उसके पहले अगर आप फिल्म को दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदिपुरुष रिलीज होने से पहले ही अपना 85% बजट रिकवर कर चुकी है और ऐसे में मेकर्स को इससे कोई खास जोखिम नहीं होने वाला है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार आदिपुरुष ने सिनेमा घरों में रिलीज होने से पहले ही अपने 500 करोड़ रुपए के बजट का 85% वसूल कर लिया है। ओम राउत की फिल्म 432 करोड़ रुपए पहले ही वसूल कर चुकी है। दरअसल प्रभास और कृति सेनन स्टार आदिपुरुष ने नॉन थिएट्रिकल रिवेन्यू जैसे म्यूजिकल राइट्स और डिजिटल राइट्स के जरिए 247 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इसके अलावा फिल्म को दक्षिण में अपने थिएट्रिकल रिवेन्यू से 185 करोड़ रुपए की मिनिमम गारंटी भी मिली है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि व्यापार भविष्यवाणियों से पता चलता है कि प्रभास की आदिपुरुष की ग्रैंड ओपनिंग होगी और रिलीज के पहले 3 दिनों के भीतर अकेले हिंदी वर्जन से 100 करोड़ रुपए की वसूली कर सकती है। आदिपुरुष संस्कृत महाकाव्य रामायण पर आधारित है और इसमें प्रभास व कृति सेनन के अलावा सैफ अली खान और सनी कौशल भी अहम रोल में हैं। पहले ये फिल्म इस साल जनवरी में ही रिलीज होने वाली थी। हालांकि पिछले साल रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर को VFX और CGI के लिए प्रतिक्रिया मिलने के बाद निर्माताओं ने रिलीज को स्थगित करने का फैसला किया था। अब फिल्म 16 जून को स्क्रीन पर आने वाली है और इसके गानों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और फिल्म के लिए हाइप पैदा कर दी है।